नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। आज आपके लिए फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आ गए हैं, जो कि मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उपक्रम में ये भर्ती निकली है। इसमें विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है, जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक ग्रेड 1, 2, 3, इसमें कई प्रकार की भर्ती निकली है। उसके क्वालिफिकेशन, उसके बाद उसमें क्या कितनी सैलरी मिलने वाली है, सब कुछ जानकारी हम डिटेल में देने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम में जब भर्ती निकले उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। एक और आपको बता दूं कि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन वहां पर प्राप्त हो सके। मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग का उपक्रम, अमरकंटक भवन, इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, भोपाल से भर्ती निकली है। प्रतिनियुक्ति संविदा नियुक्ति हेतु आवेदन, जो कि 31/8/2023 को आवेदन, जो कि नोटिफिकेशन निकल चुका था। मध्य प्रदेश अर्बन कंपनी लिमिटेड के विभिन्न स्थान पर गठित परियोजना प्रबंधन इकाई एवं भोपाल एवं परियोजना क्रियान्वयन इकाइयों में रिक्त पदों एवं प्रतिनियुक्ति अथवा संविदा पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पदों का विवरण निम्नानुसार है। पहला आपको पदनाम देखने को मिल जाएगा, जिस शहर में है वो देखने को मिल जाएगा। समकर, जिसमें प्रतिनियुक्ति सेवाएँ दी जाएगी, मतलब कौन से विभाग में। कुल पद अनारक्षित ओबीसी प्रतिनियुक्ति हेतु वेतनमान, संविदा हेतु एकमुश्त वेतनमान। अगर आप प्रतिनियुक्ति में जाते हैं तो क्या वेतनमान मिलेगा, संविदा में जाते हैं तो क्या वेतनमान मिलेगा, ठीक है। उप परियोजना संचालक तकनीकी, संचालक तकनीकी पीएमयू भोपाल मुख्य अभियंता, जिसमें आपको 37,000 से लेकर 67,000 मिलेगी, 8,700 से लेकर 8,900 तक मिलेगी, 1,30,000 यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी। परियोजना प्रबंधक में आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद परियोजना अधिकारी, उप परियोजना अधिकारी, सामुदायिक विकास अधिकारी, जनसंपर्क अधिकारी, सिविल अभियंता, प्रशासनिक सहायक, MIS अधिकारी, IT असिस्टेंट, वर्ड प्रोसेसर, कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर भी पद है दोस्तों। टोटल 4 पद हैं, जिसमें आपको 5,200 से लेकर 20,200 तक, अगर आप संविदा में रहते हैं तो आपको 24,000 रुपये प्रतिमा सैलरी दी जाएगी। उपयुक्त पदों की पूर्ति सर्वप्रथम प्रतिनियुक्ति से की जाएगी। अगर प्रतिनियुक्ति नहीं मिलते हैं तो शेष बचे पदों की पूर्ति संविदा नियुक्ति द्वारा की जाएगी। मध्य प्रदेश शासन के आरक्षण नियम इसमें भी लागू रहेंगे। आवश्यकता अनुसार उपरोक्त पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक आवेदक अर्थात मध्य प्रदेश शासन के विभाग प्रतिनियुक्ति में कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो मध्य प्रदेश शासन के विभागों नियम निगम मंडलों अथवा अर्धशासकीय से संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी कर्मचारी अपने आवेदन विभाग के माध्यम से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ विभागीय जांच, आपराधिक प्रकरण, आर्थिक अपराध प्रकरण, अन्य किसी प्रकार की जांच से लंबित होने के समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रेषित कर सकते। प्रतिनियुक्ति द्वारा आवेदन पत्र की पूर्ति होने की स्थिति में सेवानिवृत्त होने पर प्रस्त समिति से संविदा पर आरक्षण रोस्टर के अनुसार सेवा वृद्धि की जा सकेगी। अधिकतम 5 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक होने चाहिए। संविदा नियुक्ति की दशा में आवेदक की दिनांक 1/9/2023 के अनुसार 63 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र दिनांक 30/9/2023 शाम 5 बजे तक कंपनी कार्यालय में अथवा डाक द्वारा भेज सकते। लिफाफे पर आपका आवेदित पद का नाम तथा जाति वर्ग अवश्य प्रविष्ट करें। समय सीमा के अनुसार आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। न्यूनतम अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र में योजना में किसी पद पर एवं संपादित कार्यों का अनुभव विशिष्ट होना चाहिए। आवेदन का प्रारूप पदों के लिए न्यूनतम वांछनीय योग्य शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभवी संबंधित विवरण कंपनी एवं विभाग की वेबसाइट www.mpuudc.co.in पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ और पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जो कि केवल संविदा और प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले विभिन्न पदों की शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव। यहाँ पर आपको जो ऊपर दिए गए हैं वो शैक्षणिक योग्यता के साथ साथ पूरी जानकारी के साथ दिए गए हैं, और इसका आवेदन पत्र आपको सबसे लास्ट में देखने को मिल जाएगा। आवेदन के प्रतिरूप, आवेदन का प्रारूप प्रतिनियुक्ति एवं संविदा दोनों के लिए है यहाँ पर। तो ये आवेदन अगर आपको चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड करवा देंगे।
तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते तो जरूर से कर सकते हैं, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन आपको एक भी रुपये इसमें आवेदन करने के नहीं देना है, आपको वो आवेदन को ऑनलाइन या ऑफलाइन वहाँ पर विभाग में भेज देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस भी देखने को मिल जाएगा कहाँ पर भेजना है। मध्य प्रदेश शासन नगरी विकास एवं आवास विभाग का उपक्रम 5 अमरकंटक भवन इंदिरा प्रेस कॉम्प्लेक्स एमपी नगर भोपाल 11 में आपको यहाँ पर भेजना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।